आया? नाया, बाहर क्यों सो रही हो बेटा? उठो उठो, अंदर चल के सो। खाला, वो एक्चुअली सारम कमरे में स्मोकिंग कर रहे थे, इस वजह से मैं बाहर आ गई। फिर स्मोकिंग शुरू कर दी है उसने? माय गॉड। अच्छा चलो उठो ना, बाहर तो नहीं सो। चलो ना बेटा, मैं बात करती हूँ उससे। आ जाओ, गुड गर्ल। सारम, सारम, सार, ये सब क्या है सारम? सारम, पाकिस्तान आने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने उसे इस कंडीशन में देखा। आई थॉट उसने ये सब छोड़ दिया है। वो कह रहे थे कि सारे मुदर अमेरिका में ड्रग्स करता रहा है और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया है, पता नहीं। इसका मतलब है अंकल शहजाद बिल्कुल ठीक कह रहे थे। क्या क्या कह रहे थे वो? कि सारम ड्रग्स लेते थे और उन्होंने अमेरिका में उनका ट्रीटमेंट किया है। मामा ने तो इस बात का यकीन ही नहीं किया था, लेकिन आज पता चला कि ये सब कुछ सच था। बच्चा मिस कर रही थी हैं? अरे बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे बच्चे, वेलकम। आ जाओ। वालेकुम सलाम मेरी प्यारी बेटी, बैठो 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 बैठो। अरे भाई, वो समरा कहाँ है जवाब? वो पापा अपने कमरे में आराम कर रही है। अरे क्या मतलब अपने कमरे में आराम कर रही है? उसे पता नहीं है कि बच्चे आए हुए? वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अरे क्या तबीयत ठीक नहीं है उसकी? एटिकेट्स भी होते हैं, तुम समझाते क्यों नहीं अपनी बीवी को? क्या हो गया है आपको? उसकी तबीयत ठीक नहीं है सुबह से, मुझे पता है। और बच्चे कौन सा कोई गैर हैं, अपने घर के बच्चे हैं, कल सुबह हो जाएगी मुलाकात उनसे। अच्छा आंटी, आप मुझे ये बताएं अनाया कैसी है? बिल्कुल ठीक है बेटा। आप प्लीज सारम को किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं, या फिर आप उनसे कह दें कि वो मुझे छोड़ दें। नहीं नाया, नहीं बेटा, डोंट थिंक लाइक दैट एवर एवर। अब तुम अकेली नहीं हो, अपने बच्चे के बारे में सोचो नाया, उसके फ्यूचर का क्या होगा? प्लीज, देख रही हो ना कि एक ब्रोकन फैमिली के लोनली चाइल्ड क्या अंजाम होता है। डोंट डू दिस टू योर चाइल्ड, प्लीज।
आंटी वो आई क्यों नहीं? आपने बताया नहीं था हम लोग आ रहे हैं। उसे पता था, अब अपने घर की हो गई है ना, कल हो जाएगी मुलाकात तुम्हारी उससे। अरे भाई सफिया, अरे बच्चे आए इतनी दूर से, इन्हें चाय वगैरह पिलाओ भाई। क्या पियोगी, चाय? नहीं मामा, हम रेस्ट करेंगे अब। हम पापा कह रहे हैं तो मतलब कोई ग्रीन टी, टी, जूस, आइसक्रीम खा लो। बैठो चला रही हूं। अरे नहीं बेटा मेरा, आज तो तुम मेहमान हो, बैठो मैं लेकर आ रही हूँ। बैठो। सारिम प्रिया को अभी भी कॉल्स करते हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मामा मैं वही बता रहा हूँ जो मुझे पता चले। उधर स्टोर में मुझे सब ने यही बताया कि उसने एक इंडियन से शादी की हुई है। अब कोई ये कहता तो मैं उस बात को इग्नोर भी कर पाता, लेकिन सब ने मुझे यही बताया है। कोई पुराना अफेयर होगा, अमेरिका में तो ये आम सी बात है। ये आपको आम सी बात लगती है? मामा देखें, अगर आपको मुनासिब नहीं लगता कि आप जाकर सारिम से बात करें तो मैं खुद जाकर बात कर लेता हूँ उससे। ये कोई पूछने वाली बात है? अरे बेटा, अनाया की अब शादी हो चुकी है, कोई भी बात उन लोगों से करने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ेगा। मामा इस दफा तो आपको बात करनी होगी, हमेशा आपने बात को टाला है। आपको मालूम है कितने स्ट्रेस में रहा हूं। हाँ तुम तो चुप ही करो। मामा बस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हम एक काम करते हैं, मैं और आप चलते हैं और तरीके से बात करते हैं, बात बिगड़ेगी नहीं। अभी आप जाएं, तैयार हो, हम थोड़ी देर में निकलते हैं। खाला, खाला। आपकी चाय। क्या टाइम हो गया, इतनी देर हो गई, आंख ही नहीं खुली मेरी। आप बताते हैं आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? तुम क्यों बनाओगी बेटा, मैं खुद बना लूंगी ना। बता दे, मैं बना देती हूँ। सारिम कहाँ है? सो रहे हैं कमरे में। रेशमा,
जी बाजी। जाओ जरा जवाद भाई को ऊपर से बुला के लेकर आओ, उनसे कहो मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। जी ठीक है। उधर स्टोर में मुझे सबने यही बताया कि उसने एक इंडियन से शादी की हुई है। आपको ये कहता तो मैं उस बात को इग्नोर भी कर पाता, लेकिन सबने मुझे यही बताया है। चले मामा। डूब के मर क्यों नहीं जाते हो? शर्म तो नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? ऐसी चीखनी जैसे मैंने पहली बार ऐसा किया। ऐसा करो जहर ला दो मुझे कहीं से, जान छूट जाए रोज रोज की परेशानी से मेरी। कितने पर्दे डाले मैंने तुम्हारे करतूतों पे, लेकिन आखिर खुल के आ ही गए तुम सामने। अब क्या शक्ल लेके जाओगे बीवी के सामने? क्या सोचती होगी वो? ना मुझे पहले उसकी फिक्र थी ना अब है। वैसे काफी ढीठ है, इतना कुछ देखने के बाद भी अब तक अपने घर नहीं गई, यहीं फिर रही है। या नूरी जरा देखो कौन है गेट पे। आइंदा तुमने घर में ऐसी कोई हरकत की ना सारे बोरियां बिस्तर उठा के बाहर फेंक दूंगी, समझे तुम? सलीना अब्बा, बेगम साहब आई है। अरे सफिया, वालेकुम सलाम। सुबह सुबह कहां से ईद का चांद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? नूरी जल्दी से जाके इन आयो को बुला के आओ। नहीं नहीं, उससे बाद में मिल लेंगे। क्यों, खैरियत तो है? आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी अलहदगी में। नूरी तुम जाओ। अलहदगी में बात करनी है? अच्छा ठीक है, आओ आ जाओ आ जाओ। तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय का कह के आती हूँ। बैठो बेटा बैठो। क्या ला, क्या करूं क्या करूं? ये लोग इतनी सुबह सुबह क्या करने आए हैं? बता दिया होगा ना इनाया ने सब कुछ उसे, आ गई वो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब सफिया से कहूंगी क्या, उसका तो मूड बहुत ऑफ लग रहा है। अच्छा परेशान ना हो, मेरी तरफ से सब कुछ खुलकर बता दे। सारे तुम अपने मशवरे ना अपने पास रखो, समझे? सोचने दो मुझे कि क्या करना है। अच्छा रिलैक्स ना, क्या हो गया? आप ऐसी सिचुएशन इजीली हैंडल कर लेती हैं, रिलैक्स, यू कैन डू इट। चला ओके। और सुनो, उनके सामने आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ गए? क्या शादी? झूठ बोलते हैं सब के सब, बकवास करते हैं। देखें खाला, बेजाद उसी स्टोर पे गया था जिसका एड्रेस आपने हमें दिया था, और उसको वहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि सारे ऑलरेडी शादीशुदा है। हाँ तो वो लोग तो ये सब कुछ कहेंगे ना, वो क्यों नहीं कहेंगे? उन्होंने ही तो फ्रॉड करके स्टोर पे कब्जा कर रखा है। कमाल बात है, मैंने बताया तो था तुम्हें। जी जी आपा, बताया था आपने। तो फिर इसका मतलब है कि तुम्हें मुझ पे और सारम पे ट्रस्ट नहीं है। रह गई बात उस लड़की की जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, सारम ने तो उस लड़की के बारे में एक एक बात बता रखी है इनाया को। वो तो इनाया को तस्वीरें भी दिखा चुका है उस लड़की की लैपटॉप पे। खाला देखे मैं आपा, आप यकीन करें मुझे भी इस बात का एतबार तो नहीं आया था, लेकिन क्या करें इन मर्दों को, जिस बात के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर जान ही नहीं छोड़ते। वैसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ है तुम्हारे इस बिहेवियर पर। मैं सोच नहीं सकती थी कि तुम इस तरह से इमरजेंसी में सुबह सुबह रेड करने आ जाओगी मेरे घर में। मेरा क्यों नाराज हो रही हो? ट्रस्ट मी, अगर सारिम की तबीयत खराब नहीं होती तो हम रात में ही मिलने आ जाते। बस कर दो, रहने दो अब तुम। तुम्हें भी ना इकलौती नंदू वाला नखरा आ गया, और कुछ भी नहीं। यार तुम मेरी दोस्त पहले हो, भाभी का रिश्ता तो बाद में बना है। हाँ इसीलिए मुझे पाकिस्तान आए हुए इतने घंटे हो गए और अभी तक तुम मुझसे मिलने नहीं आई। आए तो तुम मुझे एयरपोर्ट से रिसीव करने आओगे, एयरपोर्ट तो दूर की बात, तुम तो घर भी नहीं आई।
अच्छा ना, आई एम सॉरी, कितना जलील करोगी आप? जलील मैं तुम्हें तब करती जब मैं आंटी और जवाद भाई के साथ तुम्हारे घर आ जाती। मामा और जवाद भाई यहाँ आए मैं? तुम मिली नहीं आंटी से अभी तक? नहीं, एक्चुअली मैं अपने रूम में हूँ, हो सकता है आ गए हो, अभी जाकर चेक करती हूँ। अच्छा, ऐसा करो तुम जाओ और देखो आंटी आई हैं या नहीं आई, मैं भी अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ, बाद में तुमसे बात होती है। अच्छा ठीक है, शाम में मुलाकात होती है फिर, बाय। ओके, बाय बाय। बस अब आप इस बात का जिक्र अनाया से मत कीजिएगा, खामखा परेशान हो जाएगी। मैं तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं हूँ। अच्छा, क्या मतलब? मतलब ये कि सोचा ना समझा भागी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अच्छा ना बाप, जाने देना और शर्मिंदा ना करें। सलामकुम मामा। अरे मेरा प्रीता बर्थडे। वालेकुम अस्सलाम। सलामकुम जवाद भाई, कैसे? मैं ठीक हूँ। आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोग आने वाले हैं? वो बेटा मेरा और बहजाद आए हैं, तुम उनसे मिलने भी नहीं आई। वो नूरी कहाँ रह गई हो भाई? चाय नहीं बनी क्या तुम्हारी? शुक्र है, आ जाओ भाई आ जाओ। मैंने कहा डिनर प्लान कर लेते हैं तो कम से कम इस बहाने तुम सब लोगों की आपस में मुलाकात ही हो जाएगी, है ना? ये अरे आप क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? छोड़े मम्मी। मेरी बच्ची। मम्मी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। माँ की याद आ गई है तुम्हें? मम्मी सुबह आंख ही नहीं खुली मेरी, जेट लैग यू नो। पापा कैसे हैं और कहाँ हैं वो? बिल्कुल ठीक हैं, सर्जरी थी आज सुबह ही चले गए। मम्मी आपके लिए। थैंक यू। यू आर वेलकम। ये पापा के लिए रेस्ट वॉच। मम्मी आपको पसंद नहीं आया ना? बेटा अच्छा है। मैंने इतने डरते डरते लिया था, मुझे पता है आपको कभी कोई चीज़ नहीं पसंद आती। और ये शहरयार भाई ने स्पेशली आपके लिए भेजा है। अरे वाह, मेरे लिए तो बड़े गिफ्ट आ गए। मेरी इतनी प्यारी सी मम्मी भी जो हैं आप, इतना मिस किया मैंने आपको। बेजाद के साथ? बेजाद बिल्कुल ठीक है मम्मी। और क्या चलेगा, शहरयार ने कुछ घुमाया या ऐसे ही बस? बहुत घुमाया, बहुत मज़ा आया हमें। मजे किए मेरी बेटी। अरे कुछ देर तो बैठती ना तुम सब। जी जी। यहाँ पर अभी खाने का बंदोबस्त भी करना है। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आप लोग कब आए? अरे मामा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बस वो सफर से बातों में ख्याल ही नहीं रहा ना। तुम स्टोर से चीजें ले आए हो? हाँ वो सब कुछ नूरी को भिजवा दिया मैंने। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ लंच करें ना? थैंक यू बेटा, लंच नहीं आज डिनर तुम लोग हमारे साथ कर रहे हो। पापा को तो इनवाइट कर लिया, अच्छा तुमसे भी मुलाकात हो गई। और वो मिर्हा और बहजाद भी तो आए, बड़े सारे किस्से हैं उनके पास अमेरिका के। हाँ जाहिर है वहाँ के तो काफ़ी किस्से होंगे, आखिर जगह जो ऐसी है। और सॉरी हम लोग उनसे मिलने नहीं आ सके, एक्चुअली अनाया की तबीयत कुछ खराब थी। चलो आज तो मुलाकात हो जाएगी ना? ठीक है आपा। लंच करके जाती ना तुम? अब डिनर कीजिएगा ना हमारे साथ हमारे घर पे, है ना? ओके बेटा, ख्याल रखना अपना। अच्छा बेटा, ठीक है। अब इसकी फिक्र करना छोड़ दो, ये मेरी बेटी है। आपके हवाले आपा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नवा एक बात तो आप मान लें, इस आरिम ने दूसरी शादी किया है या नहीं की, लेकिन वो झूठ बहुत सफाई से बोलता है। अब क्या कर दिया उसने? कह रहा था कि हमारा आने का उसे पता ही नहीं चला। अरे बेटा तो वो मार्केट गया हुआ था, उसी वक्त तो आया था। रहने दे माँ, वो लॉन में खड़ा हुआ फोन पर बात कर रहा था और वहीं पर हमारी गाड़ी खड़ी थी। हाउ इज इट पॉसिबल कि उसने हमारी गाड़ी ना देखी हो वहाँ पर? तो ये ना तुम अपने बाबा की तरह से हर चीज़ के पीछे मत पड़ जाया करो, हो सकता है उसने ध्यान ना दिया हो। मामा मुझे ना आपकी समझ नहीं आती, इस सारिम के मामले में आप इतनी डिफेंसिव क्यों हो जाती? और मुझे तो लगता है कि आपके अंदर ना एक वकील छुपा हुआ है जो हर वक्त सारिम की वकालत करता रहता है। इसलिए कि तुम लोगों ने कसम खा रखी है खाम खा के लिए राई का पहाड़ बनाने की।
अरे बेटे बैठा है सारिम की शादी का शोजा छोड़ दिया, करा दिया ना शर्मिंदा मुझे आपा के सामने। अच्छा तो आप क्या कहना चाहती हैं कि बेजात को जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी उसके बारे में वो हमें नहीं बताता? तुम बेजात की तो प्लीज बात ही मत करो, गया था घूमने फिरने और उठा कर ले आया झूठी खबरों का पुलंदा। और खुदा का वास्ता है उसको समझाना कि अपने बाबा के सामने इस तरह की बातों का जिक्र ना करें, वो पहले ही मुझसे नाराज है, अब और हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे। मामा तो आपके कहने से पहले ही मैं उसे मना कर चुका, और आप परेशान ना हो, उसने तो मेरा से भी जिक्र नहीं किया कुछ। करे कोई काम तो तुमने ढंग का किया। ये अचानक तुम्हें हो क्या जाता है? अभी तो तुम हंस हंस के बातें कर रहे थे। एक्टिंग कर रहा था आप लोगों की इज्जत बचाने के लिए, मना मेरा बस चलता तो धक्के मार के बाहर निकाल देता उन्हें। Are you insensitive? अपनी बहन और भांजे को समझाते हैं जो मेरी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं ना, आखिर समझते क्या हूं मुझे? हाँ तुमसे कुछ कहा है किसी ने? अपने कानों से सुना है मैंने सब कुछ। और तुम बताओ तुम्हारा भाई वहां हनीमून के लिए गया था या मेरी इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए गया था? आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे घर वालों के बारे में इस तरह से बात करें। अब तुम बताओ कि मुझे कैसे बात करनी है, तुमसे सीखना पड़ेगा मुझे। हाँ क्या हो गया है, होश में आओ। जबान बंद करवाए इसकी, मैं उठा के बाहर सड़क में फेंक दूंगा, सारे हुकूक और इख्तियारात समझ में आ जाएंगे इसे। उसने तुम्हें कहा क्या है जो इतना चीख रहे हो उस पे? सुबह से इरिटेट कर रही है मुझे, कभी मेरी स्मोकिंग पे एतराज है, कभी मेरे फोन पे होने पे एतराज है। इतने ही मसले हैं तो जाओ अपने बाप के घर जाओ, मैं ऐसा हूं और ऐसा ही रहूंगा। बेटा अंदर जाओ, तुम जाओ अंदर जाओ। देखा कैसे घूर रही थी आगे से? अपनी हरकतें नहीं देखी तुमने? वो जो दिन रात अपनी सहेली के साथ अमेरिका में घूमा करते थे ना, सारी दुनिया में मशहूर था कि तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, यही कंफर्म करने आई थी वो, और क्या? हाँ मैं घूमता था, जिसने जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। यू आर होपलेस केस, होपलेस। अरे अरे क्या बात है, देवरानी साहिबा की सवारी आई है। लगता है काफ़ी खुशी हुई है आपको मेरे आने की। जितने दिनों के बाद तुम आई हो उसके बाद तो खुशी ही होनी थी। तो आप मुझे पहले बता देती, मैं कुछ दिन और अमेरिका में रह लेती, फिर ज़्यादा खुशी होती आपको। मुझे लगता है कि मुझसे कई ज़्यादा खुशी तुम्हारी सहेली को हुई है, तभी तुमसे अब तक मिलने नहीं आई, शायद प्रेग्नेंट होने के बाद भूल गई है तुम्हें। ये तो हम दोनों फ्रेंड्स की आपस का प्रॉब्लम है, आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है अनाया की प्रेगनेंसी से? तकलीफ तो तुम्हें भी होनी चाहिए। अच्छा वो क्यों? भाई देखो ना, तुम्हारी और अनाया की शादी जो साथ हुई थी उसके पास तो खबर है, तुम्हारे पास तो अफवाह भी नहीं है। सच बताऊँ तो हमें खुद से ज़्यादा आपकी फिक्र है, हमारी शादी तो अभी हुई है, आपकी शादी को 2 साल हो गए, पहली फुर्सत में किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लें। It's none of your business. यही तो मैं आपको कह रही हूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, खुद पे तवज्जो दें, दूसरों की फिक्र करना छोड़ दें। वैसे एक बात बताऊँ, मेरी मम्मा काफ़ी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आप चाहें तो अपनी ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। जस्ट शट अप। समझाले अपनी छोटी बहू को, मैं बार बार नहीं बर्दाश्त करूंगी उसकी बदतमीजी, बहुत हो गया। क्या हुआ समरा, इस तरह से चीख क्यों रही हो? आप सबको तो सिर्फ मेरा ही कहा सुनाई देता है ना, मैं कुछ बुरा कर लूं वो सबको दिखाई देता है, वो सारा सारा दिन मेरी बेइज्जती करती रहती, वो किसी को दिखाई नहीं देता। क्या हो गया बेटा, रात को ही वो आई है, ऐसा क्या कह दिया उसने? आपकी तो चहेती बहू है ना वो आंटी, आपको क्यों उसकी बदतमीजी दिखाई देगी? समरा आहिस्ता बोलो, हुआ क्या है ये बताओ। औलाद ना होने का ताना देखे गई है वो मुझे। क्या
एक्टिंग कर रहा था आप लोगों की इज्जत बचाने के लिए, वरना मेरा बस चलता तो धक्के मार कर बाहर निकाल देता उन्हें। अपनी बहन और भांजे को समझाते हैं जो मेरी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं ना, आखिर समझते क्या हो मुझे? हाँ तुमसे सीखना पड़ेगा मुझे। हाँ क्या हो गया है, होश में आओ। जबान बंद करवाए इसकी, मैंने उठा के बाहर सड़क में फेंक दूंगा, सारे हुकूक और इख्तियारात समझ में आ जाएंगे इसे। नाया बेटा अभी तक तैयार नहीं हुई, सफिया के पास चलना है बेटा। ऐसे क्या देख रही हो? खाला मैं ये सोच रही थी अगर आज मैं टूट जाऊं तो मुझे संभालने के लिए इतने सारे लोग हैं, आप हैं, मामा, पापा, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को इतना अकेला आज तक महसूस नहीं किया। और आप, आपके पास तो कोई भी नहीं था, फिर आपने इतने साल अकेले कैसे गुजार दिए? बेटा सच पूछो तो जिंदगी ने ये सोचने का मौका भी नहीं दिया। ऑटो बटन दबा और जिंदगी गुजरती चली गई, पग के धारे पे बहती चली गई, और होना भी यही चाहिए बेटा। जिंदगी को समझने की कोशिश करने की बजाय जिंदगी की मान लेनी चाहिए, हालात को एक्सेप्ट करने में बड़ी बेहतरी होती है बेटा। हाँ एक काम मैंने जरूर किया, हमेशा हर गुजरते लम्हे के साथ, हर नई सुबह के साथ अपने आप को उम्मीद दिलाती रही, अच्छे वक्तों की उम्मीद। खाला मैं सारिम को बदल नहीं सकूंगी, मैं भी आपकी तरह हार जाऊंगी, फिर सारी जिंदगी उम्मीद के सहारे गुजारनी पड़ेगी। मैं हारी तो नहीं हूं बेटा, टूटी भी नहीं हूं, हारा हुआ तो सारी मैं, वो बिखरा हुआ है बेटा, और मैं पता नहीं कितने साल से उसे समेट रही हूं, और अब ये काम तुमने करना है, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, और तुम कर लोगी। I know you can do. बहुत बुरी बात है, वैसे समझ नहीं आ रहा कि मिरहा ने ऐसी बात क्यों की। मामा इसी वक्त मिरहा को बुलाएं आप और बोलें समरा से माफी मांगे। धीरज बेटा आराम से, मैं खुद उससे बात करूंगी, और शायद उसके कहने का ये मतलब ना हो जो हम समझ रहे हैं। रहने दे, क्या जरूरत है पूछने की, वो तो इतनी चलाक लड़की की बात को यूं घुमा देगी, साफ सा मुकर जाएगी वो। वैसे भी उसने गलत क्या कहा है, एक खामी तो है ना मुझ में। क्या हो गया है बेटा, कैसी बातें कर रही हो? औलाद का होना ना होना ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये इख्तियार अल्लाह के पास है। और इस घर में इतने अरसे में कभी मैंने या किसी और ने तुमसे कोई बात की इस तरह की? पर मामा आप देख लें जो कुछ भी हो रहा है,
जब समरा उससे कोई बात नहीं कहती तो उसका भी राइट नहीं बनता कि वो समरा से इस तरह बोले। अरे उसे इसी बात पे बहुत नाज है कि वो अनाया की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए कोई उसे कुछ भी नहीं कहेगा। सो व्हाट, अनाया की फ्रेंड होने का क्या मतलब है? कि उसका जिससे दिल करेगा वो बदतमीजी करेगी? बस कर दो जवाब। मैंने कहा ना, मैं मौका देखकर खुद उससे बात कर लूंगी। वैसे भी रात को सारिम और अनाया घर आ रहे हैं, उनके सामने ये राई का पहाड़ ना बन जाए। समरा उठो और कमरे में चलो। वैसे मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि समरा भाभी इस किस्म की बातें क्यों करती हैं। इसी तरह की बातें एक्सपेक्ट करती हूँ मैं उनसे, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मुझे अनाया के खिलाफ क्यों भड़का रही हैं वो। वो जो भी कहती हैं तुम बस उनकी बातें सुनो और इग्नोर कर दो। ठीक कह रहे हो तुम, इस तरह के साइको लोगों को ऐसे ही डील करना चाहिए। देखो मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि उनके साथ लड़ाई में तुम बुरी ना बन जाओ। मैं उनसे कब लड़ती हूँ बेजाद, मैं तो उनकी हर बात इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा मुझे एक बात पूछनी है तुमसे। पूछो, क्या हुआ? आंटी और जवाद भाई अनाया की तरफ गए थे, सब ठीक तो है? हाँ, क्यों? नहीं वो एक्चुअली मैंने आंटी से कहा था कि मुझे भी साथ जाना है, बट उन्होंने मना कर दिया मुझे। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। अच्छा खैर ये सब छोड़ो तुम, मैं मामा के पास जाऊँ, जरा देखूँ सारुण भाभी ने लाजमी को इस बारे में बात की होगी उनसे। इनाया तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, दो दफा फोन कर चुकी है सफिया। बस खाला तैयार हो ही गई हूँ। ऐसे तैयार हो गई हूँ? इतनी कम और आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के जाओगी? चलो सोने का सेट निकालो वो पहनो। खाला इस ड्रेस के साथ गोल्ड का सेट? तो बेटा व्हाइट गोल्ड वाला सेट निकाल लो, इतने दिनों के बाद मैके जा रही हो और इतनी सिंपल। जी पहनती हूँ। क्या हुआ, इसी ड्रॉर में तो चाबी रखी थी मैंने। पता नहीं खाला, थी तो यही लेकिन मिल नहीं रही। जरा ध्यान से देखो मिल जाएगी, जल्दी करो शाबाश। हो गया, आप लोगों को जाना है कि नहीं, देर हो रही है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई, सुबह तक तो तुम्हारा मूड नहीं था जाने का, अब तुम्हें जल्दी पड़ गई है, समझ में नहीं आता। और मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, इतनी रात को उसे ज्वेलरी पहनने के लिए कह रही है, पता तो है शहर के हालात का, साथ साथ उसे भी मरवाएंगे। अच्छा है ना, तुम्हारी जान छूट जाएगी हम दोनों से ही। बेटा तुम जरा ध्यान से देखो कहां चली गई कीज। तुम तो अकल करो, दिन दहाड़े सब कुछ छीन कर ले जाते हैं, साथ साथ गोली भी मार देते हैं। तुम्हारी तो खैर है लेकिन अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये शहर के हालात इतने खराब हैं और इतनी प्यारी तो लग रही हो तुम। आजो आजो चलते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है, अच्छी लग रही हो, आजो। मैंने क्या हो गया जाने? तुमने सुना सारिम ने क्या कहा? मैंने तुम्हें कहा था ना औलाद में बड़ी ताकत होती है, बड़े बड़ों को बदल देती है, तुम देखना सारिम भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सारिम जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, दो मिनट। रिश्ता है बरसों का, ये है जियो।